जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर दोस्तों, 18, 20 और 19, 21 के सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पीजी यहाँ पर देख सकते हैं, पीजी के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, 18, 20 और 19, 21 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, कैसे भरना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ फॉर नॉन कॉलेज गेट एंड ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी लाइव प्रूफ दूंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए परीक्षा फॉर्म का लास्ट डेट जो है 18 जुलाई तक रखा गया है। ठीक है, और परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुका है। परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 700 रुपये और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 900 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, सभी छात्र परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद परीक्षा फॉर्म की कॉपी के साथ अपने प्रथम सेमेस्टर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिशन के रसीद की कॉपी अटैच करके उसे अपने अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन कराकर जमा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ लिंक पर क्लिक करके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बस अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर इसको कैप्चा कोड या जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परीक्षा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी सब, अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो यहाँ पर रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रजिस्टर जब कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा जिसे आपको भरकर लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फुल नेम डालें, अपना यूजर नेम डालें, यूजर नेम कोई भी हो, फुल नेम यूजर नेम डालें और यहाँ पर ईमेल आईडी डालें, ईमेल आईडी के बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इसको भर दीजिए यहाँ पर और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो है एक ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड, उसको आप लोगों को लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी, अपना वही ईमेल आईडी डालना है जो ईमेल आईडी जो आपने डाला था। ठीक है, वही यूजर आईडी के थ्रू आपका ईमेल आईडी होगा और यहाँ पर उस पासवर्ड को डालना है जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड आया था। ठीक है, तो दोस्तों इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको भरना होगा। ठीक है, पर सारी प्रक्रिया अगर आपको समझ में ना आए तो आप साइबर कैफ यानी दुकानदार से संपर्क करके परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जो परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुका है और मैंने आपको शुल्क सारी जानकारी दे दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके कॉपी अपना सारा ले जाकर कॉलेज में वेरीफाई करवाना है। ठीक है, वेरीफाई जरूर